सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति। माननीय, नमस्कार आदरणीय। खुशियां पाने के लिए जिंदगी में हर एक आदमी प्रयासरत है और हर एक आदमी का अल्टीमेटम गोल सिर्फ यही है कि वो खुश रहे। जो भी है, पैसा कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, गाड़ी घोड़ा घर अच्छा, जो भी है, हर आदमी यही चाहता है कि वो खुश रहे। वो खुशी पाने के लिए ही वो सब कुछ करना चाहता है। तो खुशी पाने के लिए करना क्या चाहिए, क्या तरीके हैं कि हम खुश रहें? तो सबसे पहली बात तो ये है कि सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ होती तो हैं, पर इंसान के पास जो है वो उसकी परवाह नहीं करता है और जो नहीं है उसके पीछे लगातार भागता रहता है। इससे वो जीवन में अपने टाइम और जीवन दोनों को ख़राब करता है। ऐसी ही कुछ बुरी बातों के बारे में जानते हैं जो हमें खुशियों से दूर करती है। जैसे अपनी दिल की आवाज़ को ना सुनना। जैसे अगर हमको गाना गाना पसंद है, हमको ड्राइविंग करनी पसंद है, हमको खेल कूद में प्रसन्नता आती है, जिससे हम खुश होते हैं, वो हम नहीं करेंगे। हम एक जो पूरा समाज कर रहा है उस दिशा में भेड़ चाल में हम लग जाते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। तो इसको हमें सुधारना होगा कि हमारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसको करना होगा। दूसरों के मामले में दखलंदाजी नहीं करना है और दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि कोई कुछ कर रहा उसमें दखलंदाजी करना। समय ख़राब कर रहे हो आप और उससे इरिटेट भी होगे, परेशान भी होगे जब वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो ना तो किसी के उसमें दखलंदाजी करनी है, ना कि किसी से तुलना करनी है। तुलना आप नहीं कर सकते हो, जो वो है उसकी अलग आइडेंटिटी है, आपकी अलग आइडेंटिटी है। दूसरों को अपने खुशी का केंद्र बनाना। आशावादी लोग कभी भी दूसरों को अपनी खुशी का केंद्र नहीं बनने देते हैं। आपकी खुशी आपकी अपनी है, इसमें किसी की राय चंद की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई राय दे आके। आपको अगर खुशी मिलती है तो खुशी की राय की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी आप खुश रह सकते हैं। नकारात्मक वातावरण, निगेटिव चीज़ों से दूर रहना है आपको। और माफ़ ना करना। जब किसी को आप माफ़ नहीं करते हैं तो वो अंदर ही अंदर आपके अंदर घुटता है और वो घुटन महसूस करते हैं, जिससे आपकी खुशियां ही मारी जाती हैं और आप दुखी होते हो। जब अगर किसी को माफ़ कर देते हो तो आप बड़ा हल्का फील करते हो। हर बात को अपने ऊपर नहीं लेना है कि कोई बात किसी ने कही, कॉमन बात कर रहे हैं, उसमें बहुत से लोग हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। जब अपने ऊपर ले लेंगे तो उस कुंठा में जलने लगेंगे। व्यक्तिगत नहीं करना है किसी भी चीज़ को और जवाब देके अपनी पूरी शक्ति के साथ उसमें एनर्जी लगा के उस नकारात्मक बात में अपना समय बर्बाद करना, ये आपको खुशी नहीं देगी। बदले की भावना में नहीं जीना है। अगर बदले की भावना में जियोगे तो आप ये मानिए कि आप अगर किसी का बुरा करेंगे तो समय आपके साथ भी वैसा ही करेगा। ये ब्रह्मांड जैसा दोगे वैसा ही पलट कर देता है। महत्वपूर्ण बात कि खुद पर विश्वास रखना है। मुश्किल राह भी आसान हो जाती है, हर राह पे पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मतें उनकी गुलाम हो जाती हैं। क्योंकि खुशी को एहसास है जिसका हर किसी को तलाश है, गम वो अनुभव है जो सबके पास है। ज़िंदगी तो वही जीता है मेरे दोस्त जिसका खुद पे विश्वास है। ये जीवन अनमोल है और महत्वपूर्ण बात की ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है। थैंक यू।